मोदी सरकार की डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने की मुहिम रंग दिखाने लगी है। ब्लैक इकोनॉमी को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने डिजिटल ट्रांजेक्शन की मुहिम शुरू की थी, जिसका अब जमीन पर असर दिखने लगा है। साल 2018 में देश में UPI बेस्ट डिजिटल ट्रांजेक्शन का जमकर इस्तेमाल किया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड की छुट्टी हो जाएगी। नेशनल पेटीएम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने जानकारी दी है कि दिसंबर 2018 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI के जरिए 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन किया गया। वहीं साल 2018 में कुल ट्रांजेक्शन 3 अरब के आसपास था। 2017 के मुकाबले 2018 में भीम ऐप से ट्रांजेक्शन 4 गुना तेजी से बढ़ा, जबकि इससे होने वाला ट्रांजेक्शन की रकम में 7 गुना का इजाफा हुआ। हालांकि दिसंबर 2018 में भीम ऐप से होने वाली ट्रांजेक्शन में गिरावट आई। दिसंबर में भीम से करीब 8,000 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ। भारत में रिलायंस जियो, व्हाट्सएप, अमेजॉन पे और गूगल पे जैसी कई UPI बेस्ट पेमेंट ऐप हैं, जिन्होंने SBI, ICICI और HDFC बैंक को पीछे छोड़ दिया है। 2 साल पहले UPI को लॉन्च किया गया था। जिस तेजी से ये आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में IMPS और NEFT जैसे पेमेंट सिस्टम को पीछे छोड़ देगा। 2018 में IMPS और NEFT में 118 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। UPI कार्ड पेमेंट को भी काफी पीछे छोड़ता जा रहा है। RBI के आंकड़े बताते हैं कि कार्ड से पेमेंट 10,60,000 करोड़ के करीब रहा। UPI बेस्ट ट्रांजेक्शन में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड के भविष्य के लिए खतरा है।